न्यूमेरिकल मेथड्स, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के BCA, MCA और प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस में न्यूमेरिकल मेथड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। न्यूमेरिकल मेथड्स में इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, इंटरपोलेशन दो तरीके से देखा जाएगा, इक्वल इंटरवल्स और अनइक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन पहले होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। इंटरपोलेशन डेफिनेशन है, इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड ए प्लस एन एच। कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन हम लोग या पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, कोई भी फंक्शन जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स या कोई भी पॉलिनोमियल एन डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे तो उसमें कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू डालें। जैसे साइन एक्स की बात करें तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री हमें नोन है, मगर साइन 12.5, साइन 15.5, साइन 15, साइन 20, साइन 21, साइन 1 जनरली देखा जाए तो इन वैल्यूज़ को निकालना हमारे टफ है, मगर न्यूमेरिकल मेथड से इन सारी वैल्यूज़ को भी हम लोग अनॉर्मली इंटरपोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इंटरपोलेशन का मतलब है कि कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू अगर आप उस फंक्शन उस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो वैल्यू ऑफ वाई उससे इवैल्यूएट की जा सकती है। ठीक है, साइन 30 पूछा जाए तो 1/2 है, साइन पाई बाई 6 पूछा जाएगा तो 1/2 है, पर साइन पाई बाई 18, साइन पाई बाई 24, साइन पाई बाई 23 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, ईजिली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना, सहज तरीके से कैलकुलेट कर पाना, इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड्स और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो आगे बढ़े हम लोग, तो इंटरपोलेशन की उसी पढ़ते हैं हम लोग कि साइन 16 डिग्री की वैल्यू भी, साइन 32 डिग्री की वैल्यू भी निकालना हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इधर क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? हैं, हाँ, लॉग, अब से लॉग 4 बेस 2 निकाल पाते हैं हम लोग, ठीक है, लॉग ई बेस ई निकाल पाते हैं। अब लॉग 13 भी निकालना चाहें तो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक, तो इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स में दो मेथड हैं, न्यूटन फॉरवर्ड्स इंटरपोलेशन मेथड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड कैसे प्रूव हुआ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। यहाँ पे एक हमने एफ एक्स पॉलिनोमियल लिया ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, कैसे लिया देखें, एफ एक्स बराबर ए नॉट ए वन एक्स माइनस ए। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, बहुत सारे उसमें टर्म्स हो, पॉली मीन्स मैनी टर्म्स। अब टर्म्स वो डिग्री के अकॉर्डिंग होने चाहिए, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है तो पॉलिनोमियल की डिग्री वो टर्म डिसाइड करता है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखते हैं कि ये कॉन्स्टेंट, यहाँ पे मतलब वेरिएबल की डिग्री 0 है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है, क्योंकि जो फैक्टर है वो उस फैक्टर में एक्स की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर डिग्री कितनी है क्योंकि दो फैक्टर हैं, दोनों की डिग्री मैक्सिमम बना के कितनी होगी 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3। अब चौथे टर्म में मतलब ए थ्री के साथ 3 डिग्री है, ए टू के साथ 2 डिग्री है, ए वन के साथ 1 डिग्री है, तो ए एन के साथ एन डिग्री। तो किसी एक टर्म की डिग्री अगर एन हुई तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी एन होगी, वो टर्म उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल कंसीडर कर ली। अब हमें करना क्या है, जो ये कांस्टेंट है, जो अननोन है, ए नॉट ए वन ए टू डॉट आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हम एफ एक्स के टर्म में निकालेंगे। ओके, जबकि हम मान चलते हैं कि एफ एक्स जो वाई बराबर एफ एक्स लिया गया है डिग्री एन का, एज्यूम्स मतलब ए रखने पर जो हम आर्गूमेंट ए देते हैं, ठीक है, एफ ऑफ ए वैल्यू आएगी और इक्वी डिस्टेंस इक्वी स्पेस मार रहे हैं, मतलब जो आर्गूमेंट वैल्यूज दे रहे हैं वो इक्वल इंटरवल में हैं, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, हर वैल्यूज में जैसे ए, फिर उसमें ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h, फिर ए प्लस 3h, ए प्लस एन एच, वो वैल्यूज वहाँ रखते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू आती जाएंगी। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस पॉलिनोमियल में ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन इनकी वैल्यूज निकालनी है, अब वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, वो पॉलिनोमियल हमारा नोन हो जाएगा कि नहीं। ठीक, एक बात यहाँ पे और ध्यान दें, ए वन के साथ एक्स माइनस ए आया, ए टू के साथ लास्ट वाले जो फैक्टर है उसमें ए प्लस एच आया, और ए थ्री में देखो ए प्लस 2h आया, तो ए थ्री के साथ ए प्लस 2h आया, ए टू के साथ ए प्लस एच आया, तो ए एन के साथ ए थ्री जब था उसके बाद ए प्लस 2h आया था,
तो मतलब क्या हो रहा है, एक कम, तो ए एन के साथ ए प्लस एन माइनस वन एच आएगा। बुक्स में जब आप या कहीं पर देखते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो जब ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे बार लगा देते हैं। बार का मतलब वो क्या है, वो ब्रैकेट है, तो कन्फ्यूज नहीं हो। जैसे यहाँ पे वो लिखेंगे तो इस वाले टर्म को वो ऐसे लिखते हैं x माइनस ए माइनस एच, ओके ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। अब हम क्या करें, इसी फंक्शन में पुट करें x की जगह a, क्या पुट कर दें, हाँ इस पॉलिनोमियल में इन प्लेस ऑफ x हम a पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो f ऑफ a आ जाएगा। एफ ऑफ ए में पता है क्योंकि हम पहले से बोला गया है कि जो वाई वाला फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं उसमें एफ ऑफ ए नोन होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच नोन है। जैसे साइन 30, तो साइन एक्स अगर कंसीडर किया तो साइन 30 में पता है, साइन 45 पता है, साइन 90 पता है, साइन 60 पता है, साइन 15 पता है, नहीं जानते मान के चलते, साइन 16 नहीं पता है। तो जैसे आपने देखा होगा साइन 15, साइन 15 अगर आपको निकालना हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन 45 माइनस 30 करते हैं, करते कि नहीं करते, तो 45 और 30 इनकी हेल्प से साइन 15 निकाल सकते, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो अब ये पता था तो ये नोन हुआ कि नहीं, मगर ऐसे हम 75 45 36 को निकाल सकते हैं, मगर आपको पता है 17 डिग्री ठीक है ट्रिग्नोमेट्री से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं कि कुछ वैल्यूज हमें पता हैं, कुछ वैल्यू पता है जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में या फंक्शन के टर्म में हमें पता है, उन वैल्यूज़ को नोन मानकर हम कोई ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं वो करेंगे, समझ रहे टारगेट क्या है। हाँ तो हमने ये वैल्यू पता था इसलिए x बराबर a रखा, f ऑफ b पता है हमें, नहीं पता है तो x बराबर b नहीं रखेंगे, a क्यों रखने जा रहे हैं। अब हमें f ऑफ a प्लस h पता है तो x बराबर क्या रखेंगे, आगे a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h भी पता है तो क्या रखेंगे, बात समझ आएगी नहीं। तो हमने x बराबर a यहाँ पे रखने जा रहे हैं तो f ऑफ a हो जाएगा यहाँ a नॉट, और जब x बराबर a रख देंगे क्या रख देंगे a, तो a माइनस a बोलो भाई जीरो, a माइनस a यहाँ जीरो, a माइनस a, तो सारे टर्म वैनिस हो जाएंगे सारे, तो मतलब ये सारे जब क्या हो जाए जीरो, सब जीरो ठीक है a रखने पर। तो यहाँ पर ये हमें पता था कि नहीं, ये पता था तो ये पता हो गया, तो हमें पता क्या करना है, f ऑफ a पता ही है बेसिकली, पता क्या करना था a नॉट, तो a नॉट क्या हो गया f ऑफ a ठीक, ये नोन हो गया। ऐसे हम लोग अब x की जगह क्या रखने वाले हैं, a प्लस h, यहाँ रखा f ऑफ a प्लस h, यहाँ a नॉट, यहाँ पर a प्लस h रखेंगे, a वन इन प्लेस ऑफ x वी आर रिप्लेसिंग ए प्लस एच माइनस ए, और यहाँ पर जब देखिए ए प्लस एच यहाँ रखेंगे तो ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच जीरो, यहाँ रखेंगे ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच जीरो, यहाँ पर ए प्लस एच माइनस ए, तो सारे टर्म्स ए टू वाले से आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाए वैनिस, वैनिस इन द सेंस जीरो, ओके। तो अब यहाँ पर ए से ए कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर ए नॉट प्लस एच ए, एच ए वन क्या आ जाएगा एच ए वन, हमें ए नॉट पता है ये निकाल चुके अभी, ए नॉट पता है ए वन पता कर लेंगे नहीं, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर हमने अभी लाए थे ए नॉट, ए नॉट की जगह हम एफ ऑफ ए रख देंगे और प्लस एच ए वन आया कि नहीं, तो देखिए ए वन की जगह क्या आ जाएगा एच ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो ए वन बराबर आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन स्मॉल एच, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने ऑपरेटर्स न्यूमेरिकल मेथड्स में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स, फॉरवर्ड ऑपरेटर्स, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स ये पढ़े हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए, तो ये क्या करता है इसमें इसके आर्गुमेंट में ए एच बढ़ा देता है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये फॉरवर्ड डिफरेंस की प्रॉपर्टी है। तो इस जगह क्या रख सकते हैं हम लोग डेल्टा एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक ए वन भी आ गए ठीक है।
ऐसे ही हम लोग ए टू निकालेंगे, फिर ए थ्री निकालेंगे, ए फोर निकालेंगे, ए वन निकालेंगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ए नॉट निकालेंगे, ए वन निकालेंगे, ए टू कर देंगे। फिर हमने एक चीज़ सीखी है मैथ्स में, सिमिलरली, क्या सीखी है? हाँ, वो टीचर्स के लिए है, ठीक है, और स्टूडेंट भी अपनाते हैं, ये गलत है, ठीक। तो ए टू और निकाल दें। तो जैसा कि ए नॉट के लिए हमने ए रखा था, ए वन के लिए ए प्लस एस रखा था, ए टू के लिए क्या रखेंगे, एक्स की प्लेस पर ए प्लस टू एच, क्या रखेंगे, ए प्लस टू एच। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस टू एच, यहाँ ए नॉट ही रहेगा, यहाँ देखें ए वन, और यहाँ पे एक्स की जगह ए प्लस टू एच माइनस ए, फिर ए टू, ए टू के साथ यहाँ पर ए प्लस टू एच माइनस ए, और यहाँ पर ए प्लस टू एच माइनस ए प्लस एच। फिर आगे देखिए, हाँ, इसमें भी ए प्लस टू एच आएगा, सारे में ए प्लस टू एच आएगा, सब वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहेगा, तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ए नॉट हमें पता है, अभी देखते हैं, यहाँ पर ए से कैंसिल, तो टू एच ए वन, और यहाँ पर ए से ए कैंसिल हुआ, और इस ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए एच बचा, यहाँ पर एच आया और ये टू एच आया, तो टू एच स्क्वायर ए टू। बेसिकली ये एक्सप्रेशन फंक्शन के टर्म में इसलिए सॉल्व करना है कि हम ए टू की वैल्यू निकाल पाएँ, तो बाकी सारों को हम इधर ले आएंगे और ए टू को उधर रखेंगे, ठीक है। आगे ये देखते हैं हम लोग, अभी तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया इतना, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए नॉट और ए वन, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए नॉट बराबर निकाला था एफ ऑफ ए, और ए वन बराबर निकाला है डेल्टा एफ ऑफ ए अपॉन एच, या ये कहें कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसकी हेल्प से हम लोग ए टू को कैलकुलेट करेंगे, तो टू एच स्क्वायर ए टू बराबर एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस, यहाँ पर जो हमने निकाला है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ ऑफ ए माइनस टू एच, ए वन की जगह अभी डेल्टा एफ ऑफ ए न रखे, ये रखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर आप देखें तो ये कैंसिल होगा। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस, यहाँ पर टू टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच है, और प्लस ये देखो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू एफ ऑफ ए, ओके। देखिए तो यहाँ पर ये वाला स्टेप आया, अब इसको अभी बिल्कुल सिंपल हमने कुछ नहीं किया, कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधे ये आपके सामने है, बस इतना आपको करना है कि शायद अब इतना ना कर पाए तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दिया। अब एक इसका एक दो है ये माइनस के, एक यहाँ ले आए और एक बार फिर से यहाँ लिख दिया, और इसका इससे घटाएंगे तो प्लस का बचेगा वो यहाँ आया। अब इतने एक्सप्रेशन को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, हमने मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स को हैंडल करना, तो अगर आपको न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड सही से सीखना है तो पहले आपको एडवाइस किया जा रहा है कि ऑपरेटर्स कैसे हैंडल होते हैं, वो इससे पहले बेसिक सा न्यूमेरिकल मेथड्स का कॉन्सेप्ट है, उनको आप शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जरूर आप सीख लें, या फिर ऐसा होगा कि जब हम प्रूविंग कराएंगे तो बीच में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको ऑब्जर्व करिए। इस वाली एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए करें तो लॉ ऑफ इंडेसिस लगाएंगे कि इसको हम दो बार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर। अब ऑपरेटर बारी बारी से वर्क करेगा, सक्सेसिव नहीं करेगा, बारी बारी से करेगा, तो एक बार डेल्टा एफ ऑफ ए लिया। अब एफ ऑफ ए का मतलब है कि फॉरवर्ड डिफरेंस, पहले एक स्टेप आगे जाएगा उससे, फिर इनिशियली जहाँ पर है उससे वो डिफरेंस लेगा, ठीक। एक बार ऑपरेट हो गया कि नहीं, दोबारा फिर से ऑपरेट होगा, तो अब इसके साथ ऑपरेट होगा, सूर्या बंद कर दो, एक बार आप इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे। अब देखो ये एक बार फिर से ये बन गया। अब फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या करता है कि पहले इसको एक स्टेप आगे बढ़ाता है, तो जब एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो जाएगा, फिर जहां पर था उससे उसका डिफरेंस। तो ये वाला जो ऑपरेट हुआ है, ये वाला वो हमारा यहां पे आया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसमें जब ऑपरेट होगा तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, मगर ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाला यहाँ पे ऑपरेट हुआ। जब इसको हमने मैच कराया तो पूरा ये आ गया कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो अभी हमने देखा था टू एच स्क्वायर ए टू, देखा था कि नहीं देखा था, और उस एक्सप्रेशन को लिखा है डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए,
तो हम अगर ए टू देखें तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एफ ऑफ ए, ठीक। तो अब सबको हम मैनेज करते हैं, मतलब एक पैटर्न बनाते हैं। ए नॉट को देखो लिख रहे हैं हम लोग डेल्टा की पावर जीरो एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल जीरो एच की पावर जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिए। सिंपल, ये डेल्टा एफ ऑफ ए ही तो है, किसी की पावर जीरो वन होता है ना, ए वन करेंगे तो डेल्टा की पावर वन एफ ऑफ ए फैक्टोरियल वन और एच की पावर वन, इसी को तो लिखा गया एफ ऑफ ए अपॉन एच। बोलिए ए टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा की पावर टू एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। ए थ्री लिखेंगे डॉट 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 ए एन लिखेंगे, ए एन क्या लिखेंगे, डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। तो सिमिलरली हो गया, तो ए नॉट का ए नॉट की वैल्यू निकाल पाए एफ ऑफ ए के टर्म में, ए वन की वैल्यू निकाल पाए, ए टू की वैल्यू निकाल पाए, ए एन की वैल्यू निकाल पाए, जो फंक्शन में पहले एज्यूम किया था उसमें जो हम नोन पहले जानते थे उनको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसी को बोल देंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड, ठीक। तो जो हमने पॉलीनोमियल माना था एफ एक्स, उसी में हमने क्या किया कि जिस इंटरमीडिएट वैल्यूज पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता थी, बस हमने क्या किया ए नॉट में एफ ऑफ ए और ए वन में जो हमने निकाला था अभी डेल्टा एफ ऑफ ए अपॉन एच, और ए टू की जगह निकाला था डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर, बस एक पैटर्न के फॉर्म में इसको रख दिया। अब हम कोई भी, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए देखो पता है कि नहीं पता है, बोलिए ये एफ ऑफ ए पता है कि नहीं पता है, क्योंकि ऑलरेडी नोन है ना, ए भी पता है एच भी पता है, साइज पता होगा ना कितने साइज से, ए भी पता होगा, एक्स नहीं पता होगा। तो अब जब हम यहाँ पे कुछ भी एक्स डालेंगे तो जो भी एक्स यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, तो बाकी सब नोन है, एक्स अननोन है, वो डालने पर सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो फंक्शन उस वैल्यू पर भी दे देगा, तो इंटरपोलेशन का मतलब है कि इंटरमीडिएट वैल्यूज रेंज के अंदर जो भी इंटरमीडिएट वैल्यूज हों, ठीक है, आप कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू रखें फंक्शन इंटरपोलेट करके आउटपुट दे दे। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों बोला गया कि यहाँ पे डेल्टा का यूज़ किया गया, क्या यूज़ किया गया, बैकवर्ड डिफरेंस क्यों बोलेंगे, वो फार्मूला किसके टर्म में होगा, बैकवर्ड ऑपरेटर के टर्म में होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रूविंग है, आप इसको एक बार देख लें, यही ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड है। आगे हम लोग इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बैकवर्ड डिफरेंस देखेंगे, एक बार आप इसका फीडबैक जरूर दें। ये पहली बार बीसीए या एमसीए लेवल पे न्यूमेरिकल मेथड्स का हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता है, पसंद इन द सेंस आपको ये लगता है कि हेल्पफुल है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू तो जरूर करेंगे, आपके फीडबैक पे नहीं जाएंगे, कि हमने बहुत से लोगों को कमिटमेंट किया है कि हमें न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ाना है, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगेगा, थैंक यू।